नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज का जो ट्रेड हुआ उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और आज का जो लॉजिक था वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। आज का जो लॉजिक था वो बहुत ही बेहतरीन है और आपको भी आगे जाके काम आने वाला है दोस्तों, कि कब आपको पोजिशन एग्जिट करना है और आपको कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही गलत है, लेकिन अर्ली लॉसेस बुक करना बहुत ही अच्छा है दोस्तों। जब आपकी पोजीशन विनिंग हो जाती है, मतलब प्रॉफिट रन होता है, तो उसको रन करना देना चाहिए स्टॉप लॉस ट्रेल करके। तो चलिए आज का प्रॉफिट जो हुआ उसके ऊपर चलते हैं। ये देख सकते हो एलआईसी ब्लू का हमारा प्लेटफॉर्म है, यही हम यूज करते हैं। सबसे पहले इसकी स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार और इसके ऑर्डर्स भी दिखा दूंगा दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल और परसों हमारी तरफ से आपके लिए जो लर्निंग वीडियोज है मैं पूरे बना के रखा हूँ, मैं वो अपलोड करने वाला हूँ। उसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानकारी जो जानना चाहते हैं वो मैं कब अपलोड करने वाला हूँ, उसी के साथ टाइमिंग या सारी चीजें मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे जाके आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। वहां पे हम डेली बेसिस पे बहुत सारे कॉल भी प्रोवाइड करते रहते हैं, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट भी मेंशन किया जाता है। तो ये देख सकते हो मैंने स्क्रीन रिफ्रेश कर दिया, तो इसके कुछ ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ दोस्तों देख सकते हो मैंने 32,400 का पीस सुबह से शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था 915 से। दो बार हमारा एसएल चला गया था, 10-10 पॉइंट का एसएल था, आपको पता है 10-15 पॉइंट का, मतलब 10-15-20 पॉइंट तक मैं एसएल रखता हूँ और टारगेट मोर देन 20-30 पॉइंट्स का रखता हूँ हमेशा। तो देख सकते हो जो हमने आखिरी वाला ट्रेड लिया था जिसमें हमारा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट बना, वो ट्रेड भी मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे 32,400 की 75 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 498 10:08 के आसपास मैंने शॉर्ट किया था और 10:16:17 को मैंने प्रॉफिट बुक किया था। ये सारे ऑर्डर्स आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। लॉजिक बताता हूँ कि मैंने क्यों अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करना सही समझा और वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल गया। अभी देख सकते हो मार्केट क्लोज हो चुका है और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 505 के ऊपर आ चुका है, मतलब मैं होल्ड करता तो लॉस हो जाता। तो चलिए बताता हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी आज 400 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ और निफ्टी भी लगभग 150-200 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ। तो मुझे पता था कि फर्स्ट जो 15-30 मिनट है उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना तय है, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां पे पहले प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। क्योंकि कोई भी अगर पोजिशन ओवरनाइट लेके जा रहा है और उसको विद इन ओवरनाइट अगर 300-400 पॉइंट का अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां पे पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद प्राइस एक्शन फॉलो किया जाता है और उसके बाद नई पोजीशन बनती है दोस्तों। तो ये चीजें मैं आपको बताता हूँ कि ये देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ये प्रॉफिट बुकिंग आई, ये तो मुझे पता था दोस्तों, लेकिन मैंने वेट किया। देख सकते हो यहाँ पे जब इसने प्रीवियस डे का जो हाई था ये सपोर्ट यहाँ पे ले लिया और जैसे ही मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की तो ये कैंडल पे हमारी एंट्री थी, ये वाला कैंडल पे हमारी एंट्री थी। कंफर्मेशन ट्रेड का कब मिलता है, क्योंकि ये नीचे आ चुका था और ये देख सकते हो एक बार नीचे जाने की कोशिश की उसके बाद साइडवेज चला गया। तो साइडवेज जाने का मतलब वही होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में तभी जाता है जब उसको अपना ट्रेंड चेंज करना रहता है दोस्तों। तो ये देख सकते हो यहाँ पे टोटली मार्केट थोड़ा सा 5-10-15 मिनट के लिए का हुआ वो अपने कंसोलिडेशन फेज में जा चुका था और निफ्टी जो था अपने हाई पे हाई क्रॉस करते जा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना के थोड़ा आहिस्ता का होना ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बना दिया, उसी के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था दोस्तों। ये चीजें होती है कि अगर निफ्टी क्रॉस कर रहा है अपना हाई और बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ अलग हो रहा है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको कैंडलस्टिक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बताने का मेरा यही मोटिव था कि आप भी ये सारी चीजें नोटिस करो, आप भी अगर जब भी ट्रेड करते हो तो ये सारी चीजें पकड़ो, एनालिसिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है दोस्तों, पेशेंस, प्रैक्टिस और आपका माइंडसेट और मार्केट के ऊपर व्यू, ये सारी चीजें आपकी पहले से ही रेडी रहनी चाहिए। उसी के हिसाब से आपको प्लान बनाना चाहिए और वो प्लान मार्केट ओपन होने के बाद एग्जीक्यूट करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले बाय करते हैं बाद में सेल करते, मतलब वो पहले बुलिश होते हैं एक दो मिनट के बाद बेरिश होते हैं, ये उनका कोई मतलब परफेक्ट व्यू नहीं होता है मार्केट के ऊपर। अगर आपका व्यू परफेक्ट है और स्टॉप लॉस चला जाता है तो कोई बात नहीं, जब भी आपके व्यू के अनुसार मार्केट जाएगा तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस मोर देन 90% है। तो ये सारी चीजें फॉलो कीजिए दोस्तों। ये था आज का वीडियो बनाने का मोटिव और मैं बताया हूँ आपको कि कल और परसों हमारे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी वीडियोस आपको बना के देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद
साइट का बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।